शहर के उमरखली रोड पर नगरपालिका द्वारा बतौर 30 वर्ष की लीज अवधि पर बसाई गई गांधीनगर कॉलोनी के रहवासी अब जमीन पर मालिकाना हक की मांग को लेकर मुखर हो रहे हैं। गुरुवार को नगरपालिका अध्यक्ष छाये जोशी सहित सीएमओ एमआर निगवाल को नवीनीकरण के लिए बार बार लग रही राशि के चलते रहवासियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। सुबह करीब 11 बजे बड़ी संख्या में रहवासी नगरपालिका कार्यालय पहुंचे, यहां नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। नगरपालिका अध्यक्ष के पहुंचने पर उनके चैम्बर में पहुंचकर वर्ष 2016 में लीज अवधि खत्म होने के बाद अब नवीनीकरण के बजाय जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग की। रहवासियों ने आरोप लगाया कि नवीनीकरण के नाम पर मोटी रकम की मांग भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जमीन है उसमें इनको लीज पे 30 वर्ष के लिए दी गई है, तो इनका जो अवधि है वो कहीं 2016 में समाप्त हो चुकी है, ऐसा संज्ञान में आया है। क्योंकि शासन के नए नियम आए 2016 अंतरण चल संपत्ति नियम, उसमें प्री होल्ड के नियम है, तो इनका ये कहना कि हमें प्री होल्ड किया जाए, हमारे जो भी प्लॉट है या भूखंड है उनको, इसमें आवेदन आया है, इसको नियमानुसार जो भी होगा वो उसके अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर गाइडलाइन के साथ कितने इनको अमाउंट लग रहा? ये जो भी उसमें अंतरण नियम में जो है उसके हिसाब से इनको मूल्यांकन करके हम इनको सूचित कर रहे हैं ताकि इनका नियमानुसार फ्री होल्ड किया जा सके। नगर के लोग आए, करीब करीब 2000 लोग है, 450 मकान है ना। ये काफी समय से लोगों को परेशान कर रहे, बार बार कह रहे कि हम तौजी भरो तौजी भरो, बार बार कहते रहते, ये कब तक ऐसा होता रहेगा? ये कह रहे हमारा पट्टा हमको दिया जाए और हमको बार बार परेशान नहीं किया जाए। नाम पे नहीं हो रहा, नाम गीता गवानी। 31 से आए हैं और हमारी कॉलोनी में हमारे 469 मकान हैं जो 33 साल से लीज पे चल रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने लीज हमारी खत्म कर नहीं की गई। 2016 में शिवराज सिंह द्वारा कानून बनाया आया था, लेकिन इन्होंने हमको कोई सूचना नहीं दी कि भाई आप ऐसा करवाओ। 2016 के बाद भी अभी तक हमारे 23 तक की हमारी लीज इन्होंने भरवा ली। हम ये चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान मामा से कि आप एक तरफ पट्टा दे रहे हो, प्लाट दे रहे हो, एक तरफ आवास स्कूटी दे रहे हो, तो जो लोग 33 साल से गांधीनगर में जो लोग रह रहे हैं उनको आप फ्री होल्ड कब तक करोगे? वो कब तक मालिका, वो उनको मालिक ने कब तक नहीं बनाओगे? वो कब तक लीज के जगहों में रहते रहेंगे? हमारी मांग यही है कि 469 मकान वाले हम आए, हम यही चाहते हैं कि हमारी ये लीज खत्म कर दिया। वहाँ 75% लोग मकानों की रजिस्ट्रिया हो चुकी है, उनको एक बार के नवीनीकरण करके 5,590 रुपए की जो भी रसीद बनती है वो हम लोग देने को तैयार है और हमको फ्री होल्ड कर दिया जाए। रवि गुप्ता। गांधीनगर में कम से कम 30 साल हो गए हैं हम लोगों को रहते हुए और यहाँ पे 450 मकान है और एक बार हम लोगों ने सभी ने रजिस्ट्री करवा चुके हैं मकानों की और लीज का पैसा भी हर महीने भर रहे हैं, संपत्ति कर भी भर रहे हैं, नल का लाइट का सभी मतलब भर रहे हैं सब लोग, और एक बार रजिस्ट्री हो गई है फिर भी वो डबल से ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी 30 साल के लिए तुमको तो पावती पे दिया था, लीज पे दिया था ये जगह, तो एक बार फिर से 30 साल में मतलब 30 साल में हर 30 साल में तुमको नवीनीकरण करवाना पड़ेगा। और अभी ये समय के अनुसार अभी 30,000 या जिनके जैसे भी है मकान उस हिसाब से इन लोगों को संपत्ति कर भी लग रहा है और लीज के पैसे तो हर महीने भर रहे हैं और मतलब मकान के अनुसार इनके रजिस्ट्री के भी पैसे लगे हैं। अब हमको ये लग रहे हैं अब और मकान की रजिस्ट्री करवाएंगे तो और कितना लगेगा? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमने मतलब आवेदन भी 2-3 बार दे चुके हैं यहाँ नगर पालिका में, तो इस आवेदन पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है नगर पालिका और पल्लवी भावसार। और आगे ये गांधीनगर लीज की जमीन है और उसको फ्री होल्ड करवाने के लिए, मकानों को फ्री होल्ड करवाने के लिए आए हैं। जैसे जैसे सभी आए थे तो अपने ही हैं, गांधीनगर में जितने भी लोग हैं अपन उनके, हमने ही अभी जब हमारी विकास यात्रा चली थी तब हमने ही कहा था कि ये बहुत काफ़ी समय से लीज पे है तो इसको फ्री होल्ड करवाना चाहिए इनके मकानों को। अब आज क्या हुआ है कि फ्री होल्ड करवाने के लिए कि शासन के द्वारा जो भी नियम होंगे उसके अनुसार अपन फ्री होल्ड करवाएंगे, हमने बोल दिया उनको कि फ्री होल्ड करवा देंगे, देख तो लें कि कैसे क्या। अब किस फ्री होल्ड में ये भी है कि कोई
खुद अपना मकान करवाना चाहता है, जो खुद अकेला करवाना चाहता है तो उसका अलग गाइडलाइन, ये सबकी होगी तो एक साथ होगी तो उस कम से कम उसमें हम करवा देंगे। कितने वर्षों से रह रहे हैं लोग? ये 30 वर्षों से रह रहे हैं। जिस तरीके से आज आपके पास आए हैं, आपसे मांग की है, तो इनके लिए आगे क्या आपकी योजना बनाई जा रही है? योजना यही बनाएंगे कि हम तो देखेंगे, हम ये सोच रहे हैं कि जितने भी मकान जिस हिसाब से 20-50 है, 15-50 है, 15-20 है, ऐसा मतलब अलग अलग कैटेगरी है, तो उनका देख के और जो गाइडलाइन होंगे शासन के उसके अनुसार करेंगे। गाइडलाइन के हिसाब से उनका कहना है कि वो ज्यादा पैसा जमा करना पड़ रहा है तो हमें इसको मतलब क्यों देना चाहिए? गाइडलाइन के हिसाब से ज्यादा पैसा उनको लग रहा है तो उसमें कोई भी होगा परिषद में या तो बैठक, हम बोल रहे हैं परिषद की बैठक होगी जब हम ले लेंगे, यदि अभी आपको करवाना है तो एक कैंप लगा के हम बता देंगे कि आपको इतने इतना पैसा लग रहा है, उस हिसाब से जो करवाएंगे उनको करवा देंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।